हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आरती शेल्बी हॉस्पिटल से पीडियाट्रिशियन। सो 4 मार्च जो अभी गया वो वर्ल्ड ओबेसिटी डे था। सो हम सोचेंगे बच्चों में कैसे ओबेसिटी, उनका तो लो बर्थ वेट, लो वेट, अंडर वेट, ये सब इश्यूज रहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट चाइल्डहुड ओबेसिटी। सो जैसे एडल्ट का रहता है कि उनको वजन बहुत बढ़ जाता है, वो ओवर वेट हैं, ओबेस हैं, उसकी वजह से उनको डायबिटीज हुआ, बीपी हुआ, कोलेस्ट्रॉल रहा, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बट राइट नाउ वी आर थिंकिंग, ये एविडेंस बोल रहा है कि ये सब जो बीमारियां हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, वो बचपन से अपने बॉडी में उसके चेंजेस आने शुरू होते हैं। बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक एवरीवन वाज इन द हाउस, स्पेशली किड्स, उनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गया था, जंक फूड इनटेक वाज हाईएस्ट, तो उसकी वजह से द ओबेसिटी इज न्यू पेंडेमिक इन द किड्स। वी आर सीइंग ईच एंड एवरी पेशेंट हु इज अबोव द रिक्वायर्ड वेट। तो आज हम जानेंगे कि कुछ चीजें जो हमें करनी चाहिए जिससे हम बच्चों का ओवरवेट होते हुए बचा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला, अभी एवरीथिंग इज नाउ रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी। बच्चे को 1 से 1.5 घंटा मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी करवाना है, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब आ गया। सो इफ बच्चे का ये रेगुलर शेड्यूल नहीं है, डिसिप्लिन शेड्यूल नहीं है, तो पुट देम इनटू द क्लासेस, स्पेशली आप स्विमिंग क्लासेस, कराटे क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, इन सब में आप उनको एनरोल करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज चेकिंग ऑन द स्क्रीन टाइम। जैसे अपन देखते हैं कि बच्चे खाने के टाइम पे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, सो दे आर नॉट हैविंग एन एग्जैक्ट आइडिया अबाउट सैटिएटी। वो कुछ भी खाते जाते रहते हैं, चिप्स खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, मूवी देखते देखते। सो मेक श्योर कि जब भी वो खाना खा रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, सो नथिंग शुड बी ऑन, लाइक टीवी, मोबाइल, वीडियो, ये सब चीजें ऑन नहीं रखनी है। कीप इट एज अ फैमिली टाइम, मील लेते हुए आप बातें करते हुए खाना खा सकते हैं। सो दैट विल इम्प्रूव द इनटेक, वो अननेसेसरी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। सेम थिंग छोटे बच्चों के लिए है, सिंस बर्थ बच्चों को बॉटल फीडिंग नहीं देना है, कीप देम ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, अवॉइड जंक फूड्स, जैसे बच्चों को आदत ही नहीं डालनी है एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सॉल्ट वाली चीज़ों की, जैसे कैंड फ्रूट्स, कैंड जूसेस, कैंड सोडा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। सेम टाइम जो बोलते हैं रेडी टू ईट फूड, वो सब यूज नहीं करना है। यूज अ होममेड कुक्ड फूड, जैसे इंडियन फूड है वही यूज करना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेक अ लिस्ट ऑफ शॉपिंग थिंग्स, जैसे अगर आप मॉल में गए, आपने मॉल में ये सब चीजों के पैकेट देखे, वो उनका पैकिंग अट्रैक्टिव रहता है, उनके नेम्स अट्रैक्टिव रहते हैं, उनके साथ फ्री गिफ्ट हैम्पर होते हैं, सो दैट कैन मेक